नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच कई राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की भी शिकायत की है। ऐसे में अब बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने शनिवार को ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने खुद को पद मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि वो पद पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने के चलते नहीं रहना चाहते हैं। विनोद कुमार सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मरीज की मौत होती है तो इसका आरोप उनके ऊपर ही आएगा, लिहाजा वो अपने पद पर नहीं रहना चाहते। डॉक्टर सिंह ने आगे लिखा कि उन्हें इस बात की हमेशा आशंका रहती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ जाएगी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे हालात में डॉक्टर सिंह ने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से गुहार लगाई है कि उन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद से तुरंत मुक्त कर दिया जाए, जिसके लिए वो आजीवन उनके आभारी रहेंगे। पत्र में डॉक्टर सिंह ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि नालंदा मेडिकल कॉलेज को जितनी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा और उसकी जगह पर दूसरे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। वहीं अब नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के इस पत्र को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का छद्म विकास, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने कार्य प्रभार से मुक्त करने का अनुरोध किया है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा, आप बस स्थिति की कल्पना कीजिए, 16 साल के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करना मना है। वो 16 क्या 1600 साल मुख्यमंत्री रहेंगे तब भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।